लिए टंकी फुल करवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं दीघा। दीघा कौन दूर है गंदे के? तो चलो भाई चलते हैं, पहुंच चुके हैं दीघा। ओ भाई ये देखो, यहाँ पे देखो दीघा लिखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ना ये देखो भाई। और इधर भाई पूरा मछली लोडिंग चल रहा है, देख सकते हैं। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। पिछले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा, रात को हम दीघा पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि एक मछली वाली गाड़ी पलट गया था, वहीं पे थे काफ़ी देर तक, वहां पे थे भाई, रात हो गया, इसी वजह से हम एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के सो गए थे। यहां से दीघा सिर्फ और सिर्फ 66 किलोमीटर बचा है दीघा का सफ़र। तो अभी हम जाने वाले हैं दीघा, फटाफट करके निकलते हैं यहाँ से, रिलायंस पेट्रोल पंप पे तेल भरवाएंगे क्योंकि पेट्रोल पंप पे रात को सोए हुए थे भाई। पहले तो अभी यहाँ से गाड़ी बैक करना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी पीछे लग गया है, रात को यहीं पे हम सोए थे भाई। भाई यार गर्मी भयंकर लग रहा है यार, पता नहीं दीघा पहुंचने पर क्या मौसम रहेगा। सो फटाफट पहले तेल भरवाते हैं, निकलते हैं भाई। तो चलिए टंकी फुल करवाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो फिलहाल भाई हो रहा है डीजल टैंक अपना फुल। तो ये रिलायंस पेट्रोल पंप, यहाँ पे मैंने रात को बात किया था, उन्होंने बोला भाई गाड़ी साइड में लगा के सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीड़ी सिगरेट मत पीना भाई। पेट्रोल पंप पे ना बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं पता होता है बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, तो नहीं पीना चाहिए, सोने के लिए जगह ही मिल रहा है, और अगर बीड़ी सिगरेट पियोगे तो भाई किसी को भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो चलिए टंकी फुल करवाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं दीघा। दीघा कौन दूर है गंदे के? 70 किलोमीटर होगा ना? हाँ, तो वही हमने नेट पर देखा था, 66 किलोमीटर ऑलमोस्ट दिखा रहा था। तो भाई टोटल हम वाराणसी से 714 किलोमीटर लेके आ चुके हैं गाड़ी, और तेल यार पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों पी गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई बनारस से दीघा वाले रोड पे आने में ना टोटल मेरा तेल पी गया है 7000 रुपये का, मतलब अभी तक गाड़ी मेरा चला है, मैंने चेक किया है, जीरो करके बनारस से निकले थे तो गाड़ी चला है 724 किलोमीटर, मतलब उसके हिसाब से 7000 का तेल पी गया, मतलब क्या 10 का ही मेरा गाड़ी माइलेज नहीं दिया यार। और यहाँ पे रिलायंस पेट्रोल में तेल मैंने फुल कराया तो 3500 रुपये का तेल आया है। तो चलिए तेल तो काफ़ी ज़्यादा पी गया, अब निकलते हैं आगे, अब अपने लाइफ को थोड़ा सा आज एंजॉय करने वाले हैं समुंदर के किनारे बैठ के। हम तो दीघा जाएंगे, हम तो दीघा जाएंगे भाई, फर्स्ट टाइम दीघा जा रहे हैं। ये सब बस वाला भी जा रहा है दीघा। तो एक सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, कैसे मेरे भाई? अच्छा हूँ, आपका वो भोलेनाथ देख को पहचान पाया। अरे भाई वीडियो देखते हो? वीडियो देखता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। हम भी जा रहे हैं दीघा लोड करने, पान लोड भी करेंगे, पहले घूमेंगे घुमाएंगे। तो घूमने लग जाएगा, मस्त है ना? आप लोग जाते हो दीघा घूमने? दीघा घूमने आप लोग जाते हैं? कितना दूर है यहाँ से? अभी यहाँ से 50 किलोमीटर होगा, 50 बचा है ना, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तो आ ही चुके हम। हाँ। तो चलिए भाई से मिलते हैं फिर निकलते हैं आगे। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित भाई चलिए। तो गाड़ी उधर साइड में लगा हुआ है, अभी भाई के साथ में आया चाय पीने के लिए, तो चाय अगर पियेंगे पहले। हाँ, क्योंकि लीकर चाय यहाँ मिलता है, लीकर चाय के नाम से तो हम आ गए दुकान पे। दूध चाय ना सुबह सुबह नहीं पी पाता, गैस हो जाता पेट में, बताने क्यों। तो भाई हमारा जो गांव का भाषा है, ओरिजिनल जो भाषा है ना गांव का, मतलब एक्चुअली वो मेदिनीपुरिया भाषा है। तो अभी हम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। तो हमारा जो गांव का भाषा है थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहेंगे, तो जो बंगाल से थोड़ा सा अलग है, मतलब बंगाली है लेकिन ये मेदिनीपुरिया भाषा है, उड़ीसा मेदिनीपुरिया मिक्स है, ठीक है। तो हम ये मतलब हम लोग जो गाँव में बोलते हैं, मेरी मम्मी जो बोलती है ना वो कुछ इस तरीके से बोलती हैं, जैसे मान लो हमको अगर दीघा जाना है, वहाँ पे आप घूमना है, जो तो आप लोगों को बताते हैं बंगाली में, अपने भाषा में बताते हैं। तो हमें दीघा जाई थी, दीघा गया वोने घूरा वो अरे वाले कर बोलते बच्ची ना भाई, हमें दीघा जाई थी, दीघा गिए माछ देखो। हाँ वोने कह रहा मास्टर देखा, ये तो बंगला हो गया ना भाई, बंगला। हाँ हाँ उड़िया, हमको याद है यार, हमारी मम्मी यहीं का भाषा बोलती है, हमारी गांव में जितने लोग हैं सब यहीं का भाषा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा भाई क्योंकि बहुत दिन से बनारस में है ना, थोड़ा सा भूल गया। तो भाई यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तो सालू मतलब मेरी भाई हमें फोटो भेजी है दोनों का, ठीक है, देख सकते हैं। ये हम है, ये जो है ये हम है और ये मेरा बेटा है। तो भाई सोच रहा था मैं फ़ोटो देखे कि ज़िंदगी यार कहाँ से कहाँ चला था, पहले हम छोटे थे हमारे पिताजी थे और अब हम पिताजी हो गए और ये हमारा बगल में बेटा है, देख सकते हैं। तो दोनों का शक्ल एकदम सेम है, नाक से लेके ओठ से लेके आँख से लेके, देख सकते हैं। अब आप लोग इसमें आप लोग बताइए कौन अलग लग रहा है, हम अलग लग रहा है कि मेरा बेटा,
आप लोग बताना अगर सेम हम लोग लग रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि हाँ भाई आप दोनों सेम लग रहे हैं, तो ये मेरा बेटा है और इधर हम है, जो खराब वाला फोटो है वो हम है। भाई यार रोड बहुत ज्यादा गंदा है यार, हालत खराब हो गया भाई। अभी कारें चल रहा है, रोड का पूरा बन रहा है, भयंकर खराब है भाई। ये देखो भाई, इतना दूर बंगाल का सफर तय किया, इतना गंदा रोड पूरे बंगाल में कहीं नहीं मिला, और अभी जाके मिला भाई। इतना आगे आने के बाद जब हम दीघा पहुंचने वाले तब खराब रोड मिल रहा है हमें। दीघा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, रुके नारियल पानी पीने के लिए, तो दादा का टिकट काटिए। कौन तो करे तो 35 रुपए में यहाँ पे नारियल पानी मिल रहा है। काटो 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 आपके यहाँ पे नारियल पानी गर्मी में कितने का मिलता है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ दीघा में तो भाई 35 रुपए का हम पी रहे हैं और वाराणसी में 70-60 रुपए का बिकता है। भाई साहब पानी पूरा भरा हुआ यार। काफी मीठा पानी और काफी ज्यादा पानी इसमें है भाई। एक नारियल पानी पी लिया, अभी दूसरा भी ले लिया, ठीक है अब दूसरा पीने जा रहे हैं। पानी देखो मजा आ गया भाई आज तो, 35 रुपए में नारियल पानी पी के यार, और भी पानी भरपूर है। फिलहाल भाई बाजरा मार्केट पहुंच चुके हैं, तो ये भाई बाजरा मार्केट देख सकते हैं भाई। बाजरा से कोई वीडियो देख रहा है क्या, कॉमेंट करो भाई। नेट पे मैंने सर्च किया दीघा, तो अभी भाई 30 किलोमीटर का सफर बाकी है, और देख रहे हो दीघा सर्च करते क्या दिखा रहा है, हमें जाना है यहाँ पे, ये जो रेड कलर का लोकेशन बना है यहाँ पे जाना है, और इसके आगे देखो पूरा पानी है, ठीक है पूरा नीला नीला आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा समुंदर है और पूरा पानी है भाई। ये देखो पूरा पानी है भाई। फिलहाल भाई मेरा पंखा खराब हो चुका है, तो पंखा को अभी नीचे निकाल चुके हैं, पंखा का मोटर जल गया, एक मोटर एक्स्ट्रा भी रखे रहते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तो देख सकते हैं ये छोटा सा मोटर है, रात भर चला के सोते हैं तो अभी गाड़ी का बैटरी मतलब खत्म नहीं होता, ठीक है तो चलिए फटाफट ये मोटर को चेंज कर लेते हैं। तो व्यापारी साहब आए थे, व्यापारी साहब से ही मुलाकात हो चुका है, कल अपने गाड़ी का है लोडिंग, तो आज चलते हैं दीघा अगर घूम लेते हैं। तो व्यापारी साहब ने बोला कि गाड़ी इधर ही खड़ा कर दो, हम बोले नहीं चलिए 15 किलोमीटर है तो अपने गाड़ी से ही हम चल चलेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी पिकअप से ही जा रहे हैं, अपने काशी एक्सप्रेस को भी थोड़ा घुमा देते हैं, दीघा का हवा दिला देते हैं भाई। ये देखो भाई मौसम काफी अच्छा है यार, जैसे जैसे समुंदर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भाई सिर्फ और सिर्फ नारियल का पेड़ दिख रहा है यार, पूरा पूरा बगान है भयंकर भयंकर। ये देखो भाई इधर ना बहुत सस्ता है भाई, होलसेल 20 रुपए का नारियल पानी भाई। और अब अपने दुकान के लिए मैंने छोटा वाला भाई से बात किया है, इधर ही से नारियल पानी खरीद के लेके जाएंगे। देख सकते हैं इधर भी पेड़ से टूट के रखा रहा है, ये देखो भाई ये क्वालिटी। होलसेल में एक नंबर नारियल पानी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 रुपए का यहाँ मिलता है, तो अब यही से हम लेके जाएंगे भाई, 2000 पीस लोडिंग कराएंगे और अपने दुकान में बिकता रहेगा। वैसे बंगाल का पानी ठोस होता, जल्दी खराब नहीं होता है भाई। बहुत नारियल का पेड़ है भाई, इधर देखो पूरा भरा हुआ है और पूरा नारियल भरा है भाई। ये देखो बस भाई पहुंचने वाले हैं, 6.3 किलोमीटर बचा हुआ है। समुंदर देखो बगल में दिख रहा है, वहाँ पे पूरा भाई नीला नीला है समुंदर, तो ये जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं बस थोड़ा देर, 6 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे भाई। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं दीघा, देख सकते हैं यहाँ पे ये है दीघा, ये है भाई दीघा का पुल, यहाँ पे काफी सुंदर बना हुआ है, तो एक सेल्फी अगर लेते हैं भाई, सेल्फी लेके निकलेंगे। थे मतलब हमें दीघा अंदर जाना था, हम थोड़ा सा बाईपास वाले रोड पे चले आए थे, इसीलिए अभी गाड़ी को फिर से बैक करना पड़ा हमें, हमें इधर जाना है, ये देखिए हमें जाना है इस रोड पे। 7 मिनट का और रास्ता है, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। समुंदर किनारे पहुंच चुके यार, और ये देखो पूरा आसनसोल वाला बस आया हुआ है, दुर्गापुर आसनसोल से पूरा टूरिस्ट को लेके आया हुआ है। पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग पे कहाँ पे गाड़ी को लगाए, तो ये पूरा बीच है भाई समुंदर का, देखो सब घूम के आ रहा है, ये देखो सब घूम के आ रहा है, ये देखो भाई। तो देखते हैं पार्किंग का, पार्किंग खोजना पड़ेगा, सब कोई समुंदर में गया हुआ है घूमने के लिए, बगल में है तो पार्किंग में पहले गाड़ी को लगाते हैं भाई। पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया है और बगल में समुंदर, अभी हम जा रहे हैं मस्त घूमने के लिए। पार्किंग वाले भैया है कौन, तो 80 टका जो कॉम टूम हो ना,
तो चलो भाई पार्किंग में लगा दिया गाड़ी, इधर स्पेस है, आ सकते हो घूमने के लिए। ठीक है तो आते हैं तब घूम के। ठीक है चलो, तो चलो भाई चलते हैं, पहुंच चुके हैं दीघा। काफी भीड़ है भाई यहाँ पे, फर्स्ट टाइम दीघा ब्रो। ये देखो, ओ भाई मजा आ गया यार। ये देखो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दीघा। ओ भाई ये देखो तो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी लगाया गया है ताकि कोई नीचे जाके दुर्घटना ना हो जाए। तो भाई लोग यहाँ पे लगाए, ये लोग मना कर रहे हैं बार बार नीचे मत उतरो, फिर भी कोई कोई उतर जाता है यहाँ पे। तो उतर अगर जाएगा, ढेव देख रहे हो इतना भयंकर है, भयंकर वाला एकदम हवा चल रहा है, तो हवा की वजह से पूरा जो पानी है ऊपर आता है, नीचे आता है, तो पूरा भाई इसी में कोई चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड अगर हमें लगाया गया ताकि कोई नीचे ना जाए और कोई दुर्घटना ना हो, कोई डूब के मरे ना। ठीक है ये देखो, फिलहाल भाई अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उधर से फिलहाल अभी आगे हम जा रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर अगर रख दिया गया ताकि ये हिस्सा ख़राब ना हो। कुछ समुंदर में ऐसा ही होता है हर एक जगह में, मतलब ये जो हिस्सा है ना इधर पत्थर भर दिया जाता है ताकि जो खारा पानी आके ख़राब ना हो और अंदर पानी ना घुसे, इसके वजह से ये सब लगा दिया जाता है यहाँ पे। पूरा भाई टूरिस्ट प्लेस है, सबको यहाँ पे चिल्ड मार रहे हैं मस्त भाई। अभी बताया कि लोग को देखा मैंने, खिड़की से मस्त भाई ले रहा है। ठीक है, और उसकी बाइक बैठी हुई थी तो कैमरा देख के हंसने लगा। कोई नहीं, यहाँ पे मस्त शील्ड करने के लिए सब आते हैं, बियर वगैरह पीते हैं सब मस्त। तो ये पूरा एरिया टूरिस्ट प्लेस है। और इधर चेक करो भाई, ये देखो कौन कौन गोवा से देख रहा है, मतलब है तो गोवा नहीं है यार, गोवा का नाम क्यों आ गया। कौन कौन दीघा से ब्लॉग देख रहा है कमेंट करके बताना भाई। हाँ सुकून मिल रहा है भाई, सुकून, ठंडा हवा समुंदर के किनारे पता नहीं चल रहा सब नहा के कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे नहा के आ रहा है, लेकिन भाई खारा पानी में आदमी नहाता कैसे यार। खारा पानी में नहा रहे तो यार शरीर में खुजली होने लगेगा, लेकिन फिर भी आदमी नहाता है। अब जाके यहाँ से होटल अगर हमें फिर से दोबारा नहाना पड़ेगा मीठा पानी से। बहुत लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे नहा के जा रहा है खारा पानी से भाई। अभी पता चला है कि सब आगे में नहा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं उधर ही, उधर जाके देखते हैं। मस्त भाई वहाँ का व्यू है, बहुत लोग नहा रहे हैं, मस्त चिल मार रहे हैं सबको यहाँ पे आके। आप लोग भी आ जाओ भाई घूमने के लिए इधर। तो भाई फाइनली नहाने वाला जगह दिख गया मुझे, सब कोई वहाँ पे नहा रहा है, मस्त भाई चिल हो रहा है सब कोई। और ये देखो मछुआरे लोग हैं यहाँ पे, पूरा जाल अगर रखा हुआ जो मछली पकड़ने जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सब कोई नहा रहे है। वाह ये देखो, ये जो पूरा सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सब कोई नहा रहा है मस्त। यहाँ पे जो हवा है ना वो तो काफ़ी है, लेकिन ढेव कम है यहाँ पे। देखो ये देखो भाई, स्विमिंग पूल से खतरनाक मज़ा तो यही आ रहा है, सब कोई मज़ा तो मैं नहीं, सब कोई ले रहा है। ये वाला देखो सही है, देखो हमें भाई खारा पानी में नहाने का कोई शौक नहीं है, हमको नहाना होता है तो अपने वाराणसी वाला गंगा वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे तो खारा पानी है, लेकिन फिर भी सब मस्त यहाँ पे नहा रहे हैं। देखो देख रहे हो भाई, समुंदर के किनारे केकड़ा अगर सब खा रहे हैं भाई, वीडियो आप लोग देख के एंजॉय करना, ये कोई कमेंट मत करना कि सामान है भाई मीट मछली मत दिखाओ, दिखा रहे हैं बस वीडियो समझ के एंजॉय करो। तो देख सकते हैं केकड़ा है, केकड़ा यहाँ पे भूजा जाएगा, सबको अपना अपना लेके आया है खाने के लिए भाई। ये देखो वैसे यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, कोई भी खरीद सकता है खा सकता है, टेंशन की बात नहीं भाई। यहाँ पे केकड़ा फ्राई किया जा रहा है, एक बार उठाइए दादू, एक बार उठा के दिखाइए कैसा है, कैसे पीस है, 120 रुपये पीस है केकड़ा भाई। ये देखो
सबको यहाँ खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, वहाँ बैठ के पूरा फैमिली खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। कोई भी समुद्र के किनारे जाओगे ना भाई, दोपहर को गर्मी और शाम को ठंडा हुआ। अभी हम यहाँ से टोटो पकड़ेंगे, टोटो पकड़ के जहाँ पे बड़ा बड़ा मछली का जहाज लगता है वहाँ पे जाएंगे। भाई आए हैं तो थोड़ा सा घूम ही लेते हैं ना, कल अपने गाड़ी का लोडिंग है तो आए थे ठंडा पानी वगैरह पीने के लिए, ले लिया मैंने एक बिस्लेरी का पानी, पीते हुए जाएंगे टोटो पकड़ के। तो अभी आप लोग वेट करिए, चलते हैं, पहुँचते हैं फटाफट जो मछली वाला जहाज है, चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो दुकान वाले से पूछा मैंने, दुकान वाले बोल रहा है कि अपना गाड़ी लेके भी आप जा सकते हैं, कोई और पार्किंग वगैरह नहीं है, कोई बोलता नहीं है, नो एंट्री भी नहीं है। सो ये रोड है देख सकते हैं और बगल में समुंदर, तो हम इसी रोड से अभी जाएंगे अपना काशी एक्सप्रेस को लेके भाई। एक्चुअली खारा पानी में नहाने से ना जो घमोरी होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये नूना पानी है, मतलब नमक वाला पानी है। और मीठा पानी में तो भाई नॉर्मली नहा सकते हैं, यहाँ से नहाने के बाद अभी होटल भी सबको जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। सो ये सब जो ज़िंदगी है ना, हम बहुत बचपन में ही जी चुके हैं। 7 साल की उम्र में तो अपना गांव मैंने छोड़ा था, वाराणसी आया था, तो हमारा जहां गांव है ना वहां पे भी ऐसा ही समुंदर है ये वाला, ठीक है, ये समुंदर है। और ये शायद गंगा सागर भी शायद निकल जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन समुंदर तो भाई निकल ही जाता होगा कहीं ना कहीं। तो चलो अब जा रहे हैं अपने काशी एक्सप्रेस को लेके, पहुँचेंगे जहाँ पे नाव वगैरह बड़ा बड़ा आता है, बड़ा बड़ा जहाज आता है, वहीं पर जाना है अभी। अभी कुछ देर में ना पानी कम हो जाएगा, धीरे धीरे पानी वैसे कम हो ही रहा है, भाटा का टाइम होने वाला है ना, तो जैसे ही भाटा हो जाएगा तो फिर पानी बहुत नीचे चला जाता है यहाँ पे। अभी कुछ घंटों बाद पूरा पानी यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये देखो पूरा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी और नीचे चला जाएगा। और ये सब जो देख रहा हो ना लगाया गया, ये सब भाई बैठने के लिए लगाया गया यहाँ पे, शाम के टाइम में बहुत लोग यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे देखो दीघा लिखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखो भाई। आ चुके हैं गाड़ी पे और गाड़ी को लेके जा रहे हैं वही जहाँ पे जहाज आता है मछली वाला, वहीं पे जा रहे हैं आप लोगों को लेके घुमाने के लिए। तो ये कुछ व्यू भाई, ठीक है, इधर पूरा खाली एरिया है भाई, इधर पूरा एसी वाला कंटेनर लगा हुआ है, इसमें मछली लोड होकर जाएगा यहाँ से भाई। इधर ना सिर्फ और सिर्फ मछली का बदबू आ रहा है, ये देखो यहाँ से मछली लोड होकर जाएगा ये सब में। और ये पूरा एरिया भाई, अरे यार फिनिश हो गया, इसके आगे कोई जगह नहीं है क्या? अरे भाई ये तो पूरा मार्केट है यार, ये देखो। अरे हमको तो जाना था जहाँ पे ट्रॉलर लगता है वहाँ जाना था, तो चलिए पता करते हैं मछली का दाम वगैरह क्या है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा मछली है देख सकते हैं, ये भाई 900 रुपये केजी हिलसा मछली। और इधर भी काफ़ी सारा केकड़ा वगैरह रखा हुआ है देख सकते हैं भयंकर। यहाँ पे सीने कैसे किले 500 रुपया? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई पूरा यहाँ पे सीन है मछली का सिर्फ, ये देखो भाई। तो भाई आ चुके हैं, मछली असली दिखा दिया यहाँ पे, काफ़ी महंगा मछली है, लेकिन जो मछली यहाँ पे 1000 रुपये केजी है ना, वही मछली बनारस में 2200 रुपये केजी है भाई। जो हिलसा यहाँ मिल रहा है ना, हिलसा बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इलिश माछ, जो इलिश माछ यहाँ पे 1300 रुपये केजी है, वो 2 किलो वाला 1300 रुपये केजी है। और 2 किलो वाला अगर बनारस में बिकेगा तो 3000 रुपये किलो बिकेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉलर लगा हुआ है, ये जाता है बेस 20 समुंदर में मछली पकड़ने के लिए। अभी तो इन लोग को टाइम हुआ नहीं आने का, एक उधर से जा रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है, ये देखो भाई ये देखो। अच्छा स्टिक कितने का मिलता है दादा? दादा स्टिक कोटाकर पाओ जाए कोटाकर ना, ये पूरा स्टिक पूरा। अच्छा हो जाने, तो उनको पता है इनको नहीं पता है? तो बेटा की देर लागे माछ मारो थे की। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं भाई ये कुछ मछली है, लगा के मछली पकड़ेंगे यहाँ पे। और ये है दादू, बहुत बड़ा बड़ा स्टिक यहाँ पे ये लगा के मछली पकड़ा जा रहा है। केकड़ा का यहाँ पकड़ा जा रहा है भाई, केकड़ा केकड़ा पकड़ा जा रहा है, ये देखो केकड़ा भी है इसमें, ये देखो केकड़ा। दादू है दादू, एटा कोटा कर पाओ जाए, एटा स्टिकटा पूरा
1000 टका तो भाई 1000 रुपए का ये वाला स्टिक मिलता है, देख सकते हैं दादू बता रहे 1000 रुपए का मिलता है। और उधर भी एक भाई मछली पकड़ रहे हैं और एक भाई उधर ही मछली पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मछली काफी पसंद किया जाता है, किसको किसको पसंद है कमेंट करना, बस एंजॉय के तौर पे वीडियो को लो, ये मत कमेंट करना कि सामान है भाई। खाना अगर हो चुका है, एक सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे भैया बढ़िया, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। तो राहुल भाई का नाम है और भाई आसनसोल से आए मछली लोड करने के लिए। तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मछली आता है ना? बड़ा बड़ा मछली आता है। तो ये मेन मतलब मार्केट है मछली का, मेन मार्केट। यहाँ से सुने कि बहुत दूर दूर दुबई उबई जाता है मछली। हाँ, दुबई केरला सब जाए। हाँ हाँ, तो भाई यहाँ से विदेश भी मछली जाता है। एक आपने सुना बता रहा था कि दुबई, सऊदी और बहुत सारा नाम है, भाई ध्यान में नहीं आ रहा है, एक लगातार बोलता गया, बोल रहा यहाँ से दूर दूर मछली जाता है। सो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं रामनगर, जहाँ पे पार्टी का, जहाँ पार्टी ने मुझे बुलाया लोड करने के लिए। पार्टी से वो मुलाकात हुआ ही था, तो पार्टी के घर के आसपास में गाड़ी लगा सोएंगे और मॉर्निंग में अपना मुलाकात लोडिंग होगा, देखते हैं अब कहाँ का लोडिंग होता है। 3 जगह का बात चल रहा है, एक बनारस, एक कानपुर, एक इलाहाबाद, और 5 लोड करना है, देखते हैं कहाँ का लोडिंग होता है, बताते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। सो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। जो मछली का दीघा का मार्केट है वो ये है, ठीक है, देखो कितना बड़ा मार्केट है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, और आगे उधर बन भी रहा है बहुत आई भी में, क्योंकि मेन यहाँ का जो काम है वो मछली का ही है, घाट किनारे मेन मछली का काम है, ये सब मछली का आड़त है भाई। अभी एक दुकान पे आए हैं, तो यहाँ पे जो अपना मोटर था ना वो जल गया था, तो ये दूसरा मोटर एक अपने पास था एक्स्ट्रा, तो इसको अभी इस पर सोल्डिंग कराना है, ये जो तार मेरे हाथ पे देख रहे हैं सोल्डिंग कराएंगे भाई, बिना पंखा का तो रात को मर जाएंगे यार, सो ही नहीं पाएंगे। तो दादा का दुकान है तो इसी पे यहीं पे सोल्डिंग करा रहे हैं, दादा का दुकान एकदम दीघा घाट के पास में ही है। चलो भाई सोल्डिंग अगर हो चुका है अपना, अब रात को आराम से सो पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पूरा पंखा को लगाना इसमें काफ़ी पंचायत है, पूरा ऐसे ही फेंक के रखा हुआ है देख सकते हैं, और रात के लिए खाना भी पैक करवा लिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हम रुकेंगे ना वहाँ पे होटल नहीं था, ये देखो। और इधर भाई पूरा मछली लोडिंग चल रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो मछली लोडिंग चल रहा है, सफेद प्लास्टिक देख के आप लोग ये मत समझना ट्रांसपोर्ट का माल है, ये केरला का नंबर है, देख के भाई कहाँ का नंबर है कमेंट करके बताना। देखिए ये उसके अंदर क्या बोलते हैं आपका जो होता है ना, जैसे मछली पैक होता है कार्टून, कार्टून नहीं होता भाई वो ना, अलग टाइप का ये यहाँ का सिस्टम है, उसके अंदर भर के, बॉक्स के अंदर भर के बर्फ डाल के फिर बोरा से सिलाई किया गया है ताकि माल खराब ना हो। तो हम जा रहे थे आगे, मतलब जहाँ पे हमको गाड़ी लेके जाना था लोडिंग के लिए, एक सीन दिखाया तो आप लोगों को सोचे दिखाते हैं, क्योंकि इसी सीन के लिए हम यहाँ पे आए थे भाई। तो ये सीन चेक करो भाई, यहाँ पे है बड़ा बड़ा ट्रॉलर जो कि बीच समुंदर में जाता है, और भाई लोग यहाँ से जाता है 5 दिन 7 दिन 10 दिन 12 दिन के लिए बीच समुंदर में मछली पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ पे जो मछुआरे हैं यहाँ के लोकल दीघा के, वो ये लोग हैं भाई, तो पूरा जाल अगर सही कर रहे हैं, ये है जाल, एटा की इलिश मछली जाल, तो ये भाई हिलसा मछली का जाल है, मतलब ये जो जाल है ना इससे जो 1200-1500 रुपये वाला मछली है वो इससे पकड़ा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भाई लोग अभी जाल को सही कर रहे हैं, और ये भाई ट्रॉलर, इसको बंगाल में ट्रॉलर बोलते हैं, आप लोग अपने भाषा में जहाज भी बोल सकते हो। तो ये देखो इसके ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं सीन। तो भाई चप्पल खोल के चढ़ा जाता है, हम चप्पल पहन के चढ़ रहे थे गलती से, तो मना कर दिया उन्होंने कि भाई चप्पल पहन के मत चढ़ना बेटा। तो ये देखो ये कुछ सीन है भाई, यहाँ पे ये वहाँ से जाल सही किया जा रहा है और वहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सजा के जाल को अच्छे से रखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग अभी निकलेंगे मछली पकड़ने के लिए। तो अभी भाटा हो गया है, तो यहाँ पे देखो पानी अगर पूरा कम हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे एक इन लोगों का ना, जैसे हम लोग का पार्किंग अलॉट होता है ना, तो यहाँ पे भी इन लोगों का ये पार्किंग वाला जगह है, ठीक है, पार्किंग वाला। तो भाई मैंने अभी पूछा है, तो यहाँ से बांग्लादेश जाते हैं लोग मछली पकड़ने के लिए, मतलब बांग्लादेश के अंदर नहीं घुसता है, बॉर्डर बना हुआ है, तो अपने भारत में रहता है, बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर में ये लोग मछली पकड़ते हैं। और बता दें 10 से 12 दिन के लिए ये लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, पूरा नीचे बना हुआ एरिया पूरा बर्फ वगैरह लगा के ये लोग लेके आते हैं। क्या सोचते हो भाई आप लोग, ताज़ा मछली खाते हो? नहीं भाई, ये 10 दिन पुराना 12 दिन पुराना ये मछली अगर होता है तो ये देखो भाई सारा यहाँ पे खड़ा है और आगे भी खड़ा है, ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ से बस बगल में समुंदर है, तो ये अलग से बनाया गया है यहाँ पे जहाज अगर खड़ा करने के लिए। ये लोग आज रात को यहाँ से निकलने वाले हैं, तो ये सब जो बड़ा बड़ा ट्रॉलर है सब यहाँ से रात को निकल जाएगा मछली पकड़ने के लिए। टोटल यहाँ से 3 दिन 4 दिन चला के जाएगा मेन समुंदर में, सोचो 4 दिन लगेगा। अभी तो मैंने पता क्या बोला कि भाई 2 दिन वो वापस आ गए थे, क्योंकि जाते जाते ही इतना ज़्यादा तूफान आने लगा रास्ते में कि वापस लेके आना पड़ा, मछली अगर नहीं पकड़ पाया तो इसमें ही बहुत नुकसान होता है भाई। जितना आप लोगों को दिखता है ना बहुत फ़ायदा, जिसमें बहुत फ़ायदा होता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। ये देखो भाई
भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद पंखा फाइनली अपना बन चुका है, अभी चालू करते हैं। रात को भाई सो पाएंगे थोड़ा सा आराम से। इसका ना ये कुंडी गिर गया है, इसलिए इसको ऐसे पकड़ के नोचना पड़ेगा ऐसे। तो चलिए अभी निकलते हैं, पंखा वगैरह बन गया अपना, काफ़ी हद थक गया भाई घूमते घूमते। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुका है, मिलते हैं फिलहाल एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एक पान की गाड़ी यहाँ पे खड़ा है लोड होके, जो व्यापारी हमारा गाड़ी लोड कराएगा उन्हीं का पान है, देख सकते हैं। तो देखते हैं अपना कब टाइम आता है, वो तो बोले भाई रात को 2 बजे तक गाड़ी छोड़ेंगे, अब देखते हैं कितने बजे लोडिंग पॉइंट पर लेके जाता है। हम तो फिलहाल बैठे हैं यहाँ पे, इंटरनेट चल रहा है, मेन मार्केट में आए हुए हैं इंटरनेट के लिए, 4 किलोमीटर आगे आना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।